Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I will show you how to solve hotspot problem. दोस्तों हमारे डिवाइस में हॉटस्पॉट ऑन नहीं हो रहे हैं। अगर ऑन होते हैं तो कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट नहीं चल रहा है। इस तरह हॉटस्पॉट रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स बताऊँगा, आप फॉलो करते जाइए। नंबर वन, फोन रिस्टार्ट। हॉटस्पॉट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपना फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। साइड में जो पावर बटन दी गई है उसे दबाए रखना है, फिर आपके सामने पावर ऑफ मेनू चला आएगा। यहाँ से अपना फ़ोन रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना है। ज़्यादा समय मोबाइल रिस्टार्ट करने से हॉटस्पॉट प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता है। नंबर टू, हॉटस्पॉट सेटिंग्स। अगर फ़ोन रिस्टार्ट करने से ठीक नहीं हुआ है तो इसकी सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। अब सेकेंड स्टेप फॉलो कीजिए। सेकेंड स्टेप में पहले हम हॉटस्पॉट नेटवर्क को रिसेट करेंगे, उसके बाद कुछ सेटिंग्स करना होगा। नेटवर्क रिसेट करने के लिए सेटिंग्स में जाइए या मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन में जाइए, फिर रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ पर क्लिक करेंगे। नेटवर्क रिसेट करने से फ़ोन से कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। यहाँ रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक करें, लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालें, नेक्स्ट ओके करते ही पूरा नेटवर्क सिस्टम रिसेट हो जाएगा। रिसेट पूरा होने के बाद ऊपर से कंट्रोल सेंटर ओपन करके हॉटस्पॉट चालू कीजिए। इसके बाद हॉटस्पॉट के ऊपर लॉन्ग टैप करते ही इसका सेटिंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट में जाके इसका नेटवर्क नेम चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी पे क्लिक करके WPA3 चूज़ कीजिए। इसके बाद अपने हिसाब से 8 कैरेक्टर का पासवर्ड सेट करना होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, सिलेक्ट AP बैंड। यहाँ दो AP बैंड देखने को मिलेगा, इनमें से 2.4 GHz बैंड सिलेक्ट कीजिए। अगर आप 5 GHz बैंड सिलेक्ट करेंगे तो आपका हॉटस्पॉट उन डिवाइस पर दिखाई नहीं देगा जो 5 GHz को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए 2.4 GHz सेट कीजिए जो हर एक डिवाइस सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हाइड इट्स SSID अगर ऑन किया हुआ है तो उसे ऑफ कर दीजिए, नहीं तो आपका हॉटस्पॉट दूसरे डिवाइस में दिखाई नहीं देगा। अब हॉटस्पॉट सेटिंग्स को सेव कर दीजिए। नेक्स्ट वन टाइम डेटा लिमिट पे क्लिक करें। अगर ये फंक्शन ऑन किया हुआ है और आप डेटा लिमिट सेट करके रखे हैं तो आपका हॉटस्पॉट नेटवर्क दूसरे मोबाइल में कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन उसमें इंटरनेट नहीं चलेगा। डेटा लिमिट सेट करने का मतलब है कि इस हॉटस्पॉट से मैक्सिमम उतना डेटा इस्तेमाल होगा जितना आप यहाँ पे सेट करेंगे, इसलिए इस ऑप्शन को अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ रख सकते हैं। यहाँ से बैक आइए। टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली। जब कोई भी डिवाइस लंबे समय तक इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं होगा तब वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। बैटरी सेव करने के लिए इस सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं। सपोर्ट 6th generation स्टैंडर्ड, इस ऑप्शन को ऑफ रखिए। नेक्स्ट कनेक्टेड डिवाइस पर क्लिक करना है। लिमिट ऑफ कनेक्टेड डिवाइस बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड सेट रहेगा। अगर आप चेंज करके 1 सेट करेंगे तब आपके हॉटस्पॉट के साथ केवल एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए अनलिमिटेड सेट रखिए। नेक्स्ट ब्लॉक लिस्ट में जाके अगर आपने किसी डिवाइस का मैक एड्रेस ब्लॉक कर दिया है तो उसे अनब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि जब तक वो ब्लॉक रहेगा वो बंदा आपका हॉटस्पॉट इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। दोस्तों हॉटस्पॉट सेटिंग्स पूरा हो चुका है, अब मैं आपको दूसरे मोबाइल पर इस हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। सेकेंड डिवाइस में वाईफाई चालू कीजिए। इसके बाद इसके अवेलेबल नेटवर्क के नीचे हॉटस्पॉट का नाम दिखाई देगा, अब उसका पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट कनेक्ट हो चुका है और इंटरनेट भी काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डिवाइस में हॉटस्पॉट प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।